बाल कल्याण परिषद ने बहुत बड़ी मात्रा में सेवा के काम किए हैं। आज बाल कल्याण परिषद ने एक अभिनव काम शुरू किया है कि जो डिसेबल बच्चे हैं, जिनको सुनाई नहीं देता, जो बोल नहीं सकते, और उनके लिए वर्तमान में छत्तीसगढ़ में और हम कहेंगे तो सेंट्रल इंडिया में ऐसा कोई सेंटर नहीं है कि ऐसे बच्चे और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, उन बच्चों को स्पीच थेरेपी का प्रशिक्षण दिया जाए। और इसके लिए बाल कल्याण परिषद ने अभिनव काम सप्रे स्कूल में प्रारंभ किया है, और इसमें कम से कम नॉमिनल खर्च में, जिस काम का लाखों रुपए खर्च होता है, उस काम को हजारों रुपए में और बाल कल्याण परिषद कर रही है। मैं तो चाहूँगा कि समाज के सभी वर्गों को इस काम में सहयोग देना चाहिए। अगर एक बच्चा बोलने लगे, एक बच्चा सुनने लगे, तो इससे बड़ा पुण्य का काम, और मैं तो ये मानता हूँ ये पुण्य का ही काम नहीं है, ये भगवान की पूजा है, भगवान की सेवा है, और इस काम में सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए और खुलकर सहयोग करना चाहिए। आज आपको छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी रायपुर के एक ऐसे शाला परिसर के बारे में अवगत कराना चाहूंगी जो दिव्यांग बच्चों पर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद माधव सप्रे शाला परिसर में वाणी वाचन पुनर्वास केंद्र जो दिव्यांग बच्चों पर काम करती है, उसमें विभिन्न प्रकार के डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चों का श्रवणवास, ऑटिज्म, ADHD, CP और विभिन्न प्रकार के ऐसे जो डिसेबिलिटीज़ होते हैं उन पर हम वर्क करते हैं। यह एक ऐसी संस्था है जो रायपुर संस्थान में विभिन्न जो प्राइवेट में है या सरकारी है, वहाँ पर एक ही छत के नीचे बच्चे के आने के बाद उनकी सभी समस्याओं का एक साथ निवारण किया जाता है। इस छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित वाणी वाचन पुनर्वास केंद्र में बच्चे के आने के बाद उसके डायग्नोस किया जाता है, उसे असेसमेंट किया जाता है, उसके बाद उसकी समस्याओं के निवारण के लिए विभिन्न प्रकार की थेरेपी दी जाती है, जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, रेमेडियल थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी है। एक बच्चे को जब समस्याएं आती हैं तो हमें उसे विभिन्न प्रकार की समस्याओं को निवारण करने के लिए सिर्फ एक थेरेपी की आवश्यकता नहीं होती, उसे सभी प्रकार की थेरेपी देकर उसके चल रहे समस्याओं का निवारण करना पड़ता है। उस समस्याओं के निवारण के लिए एक छत्तीसगढ़ राज्य का पहला संस्थान है जहाँ पर सभी समस्याओं का, सभी थेरेपी का आवरण किया गया है। और अभी का यह जो स्पीच थेरेपी सेंटर है वो उसी उद्देश्य को लेकर के गया है। यह हमारा एक छोटा सा प्रयास है। अभी हालांकि वहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, और इसके दूसरे आयाम जैसे ऑटिज्म एक और नया इसमें आया है, और बच्चे काफ़ी ऑटिज्म के भी आ रहे हैं। और इसमें ये चीज़ की नहीं है कि केवल गरीब घर में हो, ये है किसी के भी घर के बच्चे ऐसे मतलब ना सुन सके हैं, उनके बिहेवियर में प्रॉब्लम होगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का सेंटर हमने प्रारंभ किया है, और आगे इसका विस्तृत रूप हो यह हमारा प्रयास रहेगा, जिसमें जिसके कारण छत्तीसगढ़ के हमारे बच्चे जो इस क्षेत्र में लाभान्वित नहीं हो पा रहे थे वो लाभान्वित होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद छत्तीसगढ़ का प्रथम NGO है और कई वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहा है। बाल क्षेत्र में, महिला के क्षेत्र में आंगनबाड़ी जुलाकर कई सालों से हम सेंटर चला रहे थे। वर्तमान में हमारे परिषद के अध्यक्ष माननीय प्रिजमन अग्रवाल जी का एक दूरदर्शिता, जिसके कारण आज एक छत के नीचे हम बड़ा स्पीच थेरेपी सेंटर चला रहे हैं। सिर्फ स्पीच थेरेपी सेंटर नहीं है, मल्टीडिसिप्लिनरी के अंदर जितने बच्चे आते हैं उन सबकी थेरेपी, बेरा मशीन से उनके टेस्टिंग, वेवियर रूम और फिजियोथेरेपी आदि बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे संचालित है, और बहुत कम दर में। हम कोई इसको प्रोफेशनल रूप से नहीं कर रहे हैं, सेवा के रूप से कर रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, मुझे लगता है मध्य भारत में एकमात्र सेंटर होगा जो इतना बड़ा काम कर रही है। अगर इनको ये थेरेपी की व्यवस्था हो जाए, सरकारी जो स्पेशल स्कूल इनके चलते हैं वहाँ, जहाँ इनसे या तो निशुल्क इनको सेवाएं दी जाएं या बहुत ही कम दर में इनको सेवाएं दी जाएं, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो है इस सेवा का लाभ लेते हुए ये लोग ठीक हो सकते हैं।